गर्मी की शाम सियोनी की पहाड़ियां पर उतर रही थी। पिता भेड़िए ने माँ भेड़िए की ओर देखा। वह गुफा के बिल्कुल भीतर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी थी। शिकार पर जाने का समय हो गया, जल्दी ही निकलना होगा, पिता भेड़िए ने कहा। तभी एक जंतु गुफा के मुंह पर दिखाई पड़ा। वह तबाकी गीदड़ था। तबाकी कहने लगा, शेर खान पहाड़ियों पर शिकार के लिए अब निकलने ही वाला है। शेर खान एक बाघ था जो वैन गंगा की नदी के पास रहता था। अरे, वह जब चाहे तब अपने शिकार की जगह नहीं बदल सकता है, पिता भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा। उसके डर से तो सभी जानवर यहाँ से भाग जाएंगे, हमें क्या मिलेगा तब? शेर खान लंगड़ा रहा है, माँ भेड़िए ने धीरे से कहा। इसलिए वह अब जंगल के पशुओं का शिकार नहीं करता, गांव वालों के पालतू पशुओं को ही पकड़ता है। अब उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, तबाकी ने कहा। भेड़िया दंपत्ति ने ध्यान से सुना। दूर, बहुत दूर, एक क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। आवाज से साफ लग रहा था कि आज उसे कोई शिकार नहीं मिला है, माँ भेड़िए ने कहा। आज वह गाय बकरी या हिरन खाने नहीं निकला है, आज वह आदमी का शिकार कर रहा है। आदमी? पिता भेड़िए ने नफरत से कहा। वह तो जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा और न ही खाएगा, क्योंकि एक आदमी को मारो तो सैकड़ों लोग बंदूकें लेकर जंगल में आ धमकते हैं, फिर बाकी जानवरों के लिए खतरा हो जाता है। एकाएक माँ भेड़िया सतर्क हो गई। उसने कहा, पहाड़ी के ऊपर कोई आ रहा है, ध्यान से सुनो, सावधान रहो। गुफा के पास घास में कुछ सरसराहट हुई। पिता भेड़िया झपटने के लिए तैयार हो गया, हवा में कूदा पर बीच में ही खुद को रोक लिया और फिर खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, आदमी, आदमी का बच्चा, देखो देखो, उसे यहाँ लाओ तो जरा, मैंने कभी आदमी के बच्चे को नहीं देखा है, माँ भेड़िए ने कहा। पिता भेड़िए ने बड़ी कोमलता से बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा। वह एक नन्हा सा बच्चा था जिसने शायद अभी अभी घुटनों के बल चलना सीखा था। बिल्कुल नंगा धड़ंगा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर था ही नहीं। आदमी के बच्चे को अपने बच्चों के बीच घुसते देख माँ भेड़िए ने कहा, ओह कितना नन्हा सा है, इसके तो बाल ही नहीं हैं और कितना निडर भी है। तभी एक काली बड़ी सी आकृति गुफा के मुंह में अड़कर खड़ी थी। क्या चाहिए तुम्हें? पिता भेड़िए ने गुस्से से पूछा। मेरा खाना, शेर खान का जवाब था। उसने कहा, आदमी का एक बच्चा यहाँ आया है, इसके माँ बाप तो भाग गए, अब इसे मुझे सौंप दो। पिता भेड़िए को इस बात का इत्मीनान था कि शेर गुफा के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि गुफा का मुंह बहुत छोटा है। उसने कहा, शेर खान, हम भेड़िए स्वतंत्र पशु हैं, हम सिर्फ अपने दल के नेता से आदेश लेते हैं। कहना क्या चाहते हो? शेर खान ने पूछा। माँ भेड़िया अपने बच्चों को भीतर ही छोड़कर शेर खान के सामने आ खड़ी हुई। वह बोली, मैं बताती हूँ, यह आदमी का बच्चा अब हमारा है, सुन रहे हो शेर खान, हमारा, यह हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ घूमेगा और शिकार करेगा। शेर खान जानता था कि माँ भेड़िया गुस्सा हुई तो खतरनाक हो जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह थोड़ा पीछे खिसका और वहीं से चिल्लाकर बोला, देखता हूँ तुम्हारा भेड़िया दल तुम्हारी बात मानता भी है या नहीं, आखिर में यह मुझे ही मिलने वाला है। माँ भेड़िया अपने बच्चों के पास गई और बोली, मैं इस आदमी के बच्चे को मोगली यानी मेंढक कहूंगी, एक दिन यही शेर खान को खत्म करेगा। भेड़ियों के दल के लिए जंगल का कानून बड़ा स्पष्ट है।
पूर्णिमा की रात को सभी बच्चों को सभाशिला पर उपस्थित होना होता है। अन्य भेड़िये उन्हें देखते हैं और पहचान कर लेते हैं। फिर पूरा दल उनकी देखभाल करता है और किसी तरह की हानि नहीं पहुंचने देता। अगली पूर्णिमा को यह भेड़िया दंपत्ति भी मोगली को लेकर सभाशिला पहुंचे। वहां छिटकी चांदनी में यह बच्चा मजे से बैठकर कंकड़ पत्थरों से खेलने लगा। शेर खान ने सभा के सामने अनुरोध रखा कि मोगली उसको दे दिया जाए, पर दल के नेता ने कहा, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी की बात क्यों सुने। भूरा भालू, जो सभी भेड़ियों के बच्चों को सिखाता पढ़ाता था, बोला, उसे भेड़िया दल के साथ ही रहने दो, मैं उसे खुद सिखा पढ़ा दूंगा। तभी काला तेंदुआ भगीरा भेड़ियों के बीचों बीच कूद कर बोला, मैं तुम्हें एक मोटा सा बैल दूंगा, इस आदमी के बच्चे को जीने दो और हमारे साथ शिकार करने दो। और इस तरह यह तय हुआ कि आदमी का बच्चा मोगली सियोनी की पहाड़ियों पर रहने वाले भेड़िया दल का सदस्य बनेगा।